मतगणना के दिन आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई। नीमका थाना जिले के उदयपुर वाटी पुलिस थाना परिसर में पुलिस व जनप्रतिनिधियों की सद्भावना बैठक आयोजित की गई। मतगणना में आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। इस दौरान मतगणना के बाद जुलूस रैली पर डीजे नहीं बजेगा। वहीं कानूनी व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। नीमका थाना DYSP जोगेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मतगणना के दिन आपसी सौहार्द बनाए रखें। चुनाव आयोग व पुलिस के उच्च अधिकारियों के निर्देश पर के अनुसार पुलिस थाने में CLG सदस्य व जनप्रतिनिधि व सुरक्षा सखी व मीडिया कर्मियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। मतगणना के दौरान DJ पर पूर्णतः प्रतिबंध है। किसी प्रकार की कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की कोई आपत्तिजनक पोस्ट करेगा तो उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चुनाव परिणाम आने पर यदि कोई जोश में शांति व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक कमेंट नहीं करने व झूठी अफवाहों फैलाने वाले मैसेज फॉरवर्ड नहीं करने से बचें। वहीं सोशल मीडिया पर इस दौरान पुलिस की विशेष निगरानी रहेगी। अगर क्षेत्र में कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट शेयर करता है तो उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से पुलिस थाने में सूचना दे ताकि नियमानुसार कार्रवाई की जा सके। इस दौरान नीमका थाना DYSP ने कहा कि एक पक्ष ही जीतता है। वहीं 5 दिसंबर तक धारा 144 लागू रहेगी। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। चुनाव आयोग के जो वोटिंग होगी शांतिपूर्ण वोटिंग होने के बाद में अब जो मतगणना है वो कल होगी परसों होगी। उसमें हम ये चाह रहे हैं कि जो भी चुनाव आयोग के प्लस हमारे पुलिस मुख्यालय उच्च अधिकारियों के निर्देश है उसकी सुनिश्चित पालना की जाए। उसके लिए हमें प्रकार मतगणना के बाद में जो भी रिजल्ट मैंडेटरी जिसके पक्ष में आएगा जो भी वाहन रैली है उसमें किसी प्रकार का न्यूसेंस नहीं हो कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े इसके लिए हमने CLG और सुरक्षा सखियों की और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग रखी है। इसमें हमने सभी को ये निर्देशित किया है कि चुनाव के मतगणना के बाद में जो भी रैलियाँ ले निकले उसमें DJ पे पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। हर्ष फायरिंग वगैरह है इस प्रकार की कोई भी वारदात नहीं हो इसके लिए कानून व्यवस्था किसी प्रकार की स्थिति खराब ना हो इसलिए सबको ये हमने समझाइश की है। सर सोशल मीडिया पे ये है कि सोशल मीडिया के हिसाब से मैंने ये कहा है कि सोशल मीडिया पे भी किसी प्रकार का कोई पोस्ट ना डाले। अगर किसी ने डाला है तो वो हमें बताए उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। आयोग की मतगणना के बाद जो भी नतीजे आएंगे पुलिस की तरफ से एकदम चुस्त व्यवस्था है। पुलिस जो भी सेंसिटिव पॉकेट है उसमें पूरी निगरानी रखेगी और जो भी मैंडेटरी आएगा वो जनता को जनप्रतिनिधियों को स्वीकार करना चाहिए।